चेयरमैन पीटीआई की सज़ा पर कोई खुशी नहीं, पीडीएम इत्तेहाद अनोखा तजर्बा, मौका मिला तो मईशत मजबूत करेंगे शहबाज शरीफ। इमरान न्याजी ने अपनी ज़ात की खातर दोस्त ममालक को नाराज़ किया, हमारी हुकूमत ने सियासी मुखालफिन को नाजायज़ तंग नहीं किया। आईएमएफ के साथ मुआहिदा, 969 मेगावाट का हामिल नीलम जलम हाइड्रो प्रोजेक्ट बहाल, बिजली की पैदावार शुरू, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन मुस्तकिल करने का ऐलान। एक साल के अंदर मनसूबा की बहाली एक चैलेंज था। पीटीआई कारकुनान का घिनौना इकदाम, पाकिस्तानी कौंसल खाने से कौमी परचम उतार दिया, तारकीन वतन में गमो गुस्सा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की सजा तब्दील करने का मुकदमा, यासीन मलिक हक दिफा से महरूम, समात मलतवी। नई दिल्ली हाईकोर्ट ने मोहम्मद यासीन मलिक को समात के मौका पर अदालत में पेश। वकील कत्ल केस, सुप्रीम कोर्ट ने जीआईटी को चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी से रोक दिया। मौजूदा असम्बली तारीख की बदतरीन असम्बली थी, शायद खाकान अब्बासी, बदतरीन असम्बली का इशारा रहने से पाकिस्तान के अवाम से माफ़ी मांगता हूँ। तारीख फैसला करेगी हमने क्या किया, अवाम ने कुछ नहीं पाया, सिर्फ खोया ही खोया है। वजारत पार्लिमानी अमूर ने असम्बली तहरीर करने की असम्बली समरी वज़ीर आज़म को भेज दी। वजारत पार्लिमानी अमूर की जानिब से भेजी गई समरी में तारीख का खाना खाली छोड़ा गया है। असम्बली तहरीर करने की तारीख और वक्त का फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। ज़राए सार्फीन को एक और झटका, बिजली 1.81 रुपये फ़ी यूनिट महंगी। डॉक्टर तलाल कादरी का सियासत छोड़ने का ऐलान, एक बार फिर अकवा मुत्तहिदा